हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू कर दिया मैं व्लॉग, मतलब वो व्लॉग को एंड कर दिया और ये व्लॉग को अभी से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त को मैं कॉल किया। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था, मतलब अभी जो व्लॉग ख़त्म किया उसमें मैंने आपको कहा था मैं इंतज़ार करते बैठा हूँ ट्रैक्टर वाला जो पार्ट लेके आने गया है, वो अब तक आया नहीं है, उसके इंतज़ार में मैं बैठा हुआ हूँ। तो तब तक ऐसे ही सोचते हुए बैठा हुआ था मैं, क्या किया जाए, शाम होने के लिए और टाइम बाकी है, 3 से 4 घंटे बचे हुए हैं। तो सोचते हुए बैठा उतने मुझे याद आया, 4-5 व्लॉग पहले या फिर 1 महीना पहले ना, हम एक फार्म पर विज़िट कर रहे थे जहाँ पे नारंगी मतलब संतरे लगे हुए थे और पेरू लगे हुए थे। वो पूरा फार्म मैं आपको क्लियर और क्लैरिटी से नहीं दिखाया कि कौन से पेड़ वहाँ पर है। मैंने कहा था अगर मेरा दोस्त फ्री रहेगा या फिर मैं फ्री रहूँगा तो दोनों मिलकर जाकर देख कर आते हैं और मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो उसको मैंने कॉल किया, वो अभी खाना खा रहा है, फ़िलहाल जाते हैं अभी उसके फार्म पे। वो कॉल करने के बाद उसका फार्म मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से पेड़ उन्होंने लगाए हैं, और तब तक आप एक टाइम लैप्स में ले रहा हूँ अभी, आप टाइम लैप्स अच्छे से देखिए और मैं जाके पहुँचता हूँ उसके फार्म पर, आप टाइम लैप्स इंजॉय कीजिएगा। आई होप आपने टाइम लैप्स देख ही लिया होगा, और मैं अभी जा रहा हूँ गांव में। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, मेरा दोस्त को मैं कॉल किया था उसके फार्म पर जाने के लिए, वो खाना खा करके थोड़ा सा बिज़ी हो गया। उसने कहा 5 बजे चलते हैं फार्म पे, मैं थोड़ा मेरा काम निपटा लूँगा उसके बाद जाते हैं। देखते हैं अगर वो फ्री हो गया तो जा करके उसके फार्म पर विज़िट करते हैं, अगर नहीं हुआ तो जो मेरा दिन गुजरता है वो आपको मैं दिखाऊँगा। अगर उसके साथ जाऊँगा तो इंशाल्लाह मैं उसका फार्म दिखाऊँगा और कौन से पेड़ उसके फार्म पर लगे हुए हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। और अभी मैं प्लान बनाया था, बैठे बैठे बोर हो रहा था मुझे, तो मैं सोचा चलो चलते हैं जा करके गांव में बैठते हैं, थोड़ी देर चाय पीते हैं और दोस्त के शॉप में, जो मोबाइल शॉप है दोस्त का, वहां जाकर बैठते हैं। तो इसीलिए मैं अभी फार्म से वापस गांव की तरफ जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। चाय पीते हैं और दोस्त के शॉप पर बैठते हैं। यही है मेरे दोस्त का शॉप, बिस्मिल्लाह मोबाइल, वो बैठा हुआ है। देखो मेरा दोस्त सबको आठ है ना, थोड़ी देर मेरे दोस्त के शॉप पे बैठा था, चाय पिया, नमाज़ पढ़ा और अभी वापस फार्म पे आया हूँ। अब तक ट्रैक्टर वाला बंदा नहीं आया है, ऐसे लग रहा है आज काम नहीं होने वाला है। अगर मैं अभी जो फार्म पे काम करता है ना, मतलब जो फार्म संभालता है, उसने कहा कि अगर वो शाम में 6 बजे भी आए ना तो रात में देखते हैं, रात में लाइट्स ऑन करके हल कर देते हैं, नहीं तो कली करते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अब्बा भी सिर्फ अभी 1 घंटे में आ जाएंगे, देखते हैं। तब तक मैं यहीं पर इंतज़ार करता हूँ, बैठता हूँ। देखो शाम के बज चुके हैं 5:40 अभी, और अभी तक ट्रैक्टर वाला नहीं आया है और अब्बा आ चुके हैं, गांव में हैं, और मैं अब तक इससे बात करते हुए बैठा हुआ था। जो अन्ना जा रहा है सामने, उससे बात करते हुए मैं टाइम पास कर रहा था। और शाम होने वाली है, देखते हैं आज रात में कुछ काम करेगी या नहीं करेगी, बोल नहीं सकते। ये देखो इंतज़ार है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, ऐसी ही है पड़ा हुआ। और इसकी चाबी भी यहीं लगी हुई थी शायद, पता नहीं, नहीं है अभी ना, चाबी नहीं है, चाबी लेकर जा चुका है लड़का। अरे वो चाबी थी यहाँ पे अभी। खैर इंतज़ार करते हैं और थोड़ी देर, फिर जाते हैं, अंधेरा हो जाएगा तो, क्योंकि अभी कल ही देखते हैं इसका जो भी है। इसका मेरा दिन ना फार्म पर ही निकल गया है, इंतज़ार करते करते करते। मैं अब्बा आने वाले हैं, आ चुके हैं अब्बा, अभी अभी आए हैं, और मैं वॉक पे निकला था, रोड के पास आया और देखा अब्बा आ गए हैं। चलो जाते हैं, बातें करते हैं। देखो अब्बा आए हैं और उससे बात करने जा रहे हैं, जो फार्म पर देखता है, देखभाल करता है, उससे बात करें। मैं अभी अब तक उसी से बात करते हुए बैठा था। देखो अभी ये पार्ट भी है हल करने के लिए, अभी इसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो एक बार आ जाएगा रेडी करके, ये भी पूरा साफ सफाई कर देंगे इंशाल्लाह, दिखाऊंगा मैं। तो ही वॉक करते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे और मुझे यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल नज़र आया है। देखो माशाल्लाह कस्टर्ड एप्पल और बड़ा हो गया है, छोटा सा है, एक ही लगा है, एक ही नज़र आया है मुझे फ़िलहाल अभी।
पता नहीं अंदर है कि नहीं है ना, एक ही नज़र आया है। और वहाँ आगे भी एक पेड़ है, वहाँ भी जाके देखते हैं अगर है क्या। अभी इसका सीज़न शुरू नहीं हुआ है, मतलब अभी अभी शुरू हुआ है। थोड़ा सा काम क्या किया मैं, अभी पत्थर वत्थर उठा के बाजू में डाला, पसीना देखो कैसे छूट रहा है। अब्बा आते ही अब्बा को थोड़ा ज़्यादा काम नज़र आता है ना, थोड़ी मेहनत हो गई है, अभी पसीना कैसे छूट रहे हैं देखो। ऐसे अभी ट्रैक्टर वाला आया नहीं है, जाते हैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठते हैं, कल ही करना है अभी ट्रैक्टर का काम। कल मैं दिखाऊँगा हल चलाती हुई ट्रैक्टर, कल पक्का दिखाऊँगा, आज तो हो नहीं पाया बहुत कोशिशों के बाद भी। तो अभी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और अब्बा देखे नहीं है ना, एक हफ़्ता हो गया अब्बा को भी आ करके, एक हफ्ता नहीं 10-15 दिन हो गया है शायद। तो वही अब्बा सब राउंड लगा रहे हैं अभी, देखो लेट्स गो बैक, वापस गांव जा रहा हूँ। ट्रैक्टर आया नहीं है, आप लोग बोर हो गए होंगे मैं बोल बोल के कि ट्रैक्टर वाला नहीं आया है। अभी सुबह सुबह आएगा ट्रैक्टर वाला, 7 बजे या 6 बजे कुछ। अब अभी निकलने वाले हैं यहाँ से, मतलब गांव जाएंगे अभी। कल फंक्शन है तो कल पूरा दिन देखते हैं फार्म पर गुजरेगा या फिर जैसे भी है। देखो सनसेट हो रहा है और अभी गांव जाते हैं। मैं पूरा सामान यहीं पर लेकर घूम रहा था, मतलब फार्म पर ही रखा था मेरा हेलमेट बैग वगैरह, क्योंकि मदनपल्ली जाने का प्लान बनाया था ना, तो मदनपल्ली का प्लान कैंसिल हो चुका है। जो कपड़े थे मेरे, जो शूज़ वगैरह थे, वो मेरा भाई लेके आ गया है, तो छोटा भाई भी आया है, तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे मदनपल्ली। तो अभी जाते हैं, जो बैग है मेरी घर पे रखते हैं, फिर रात में यहीं पे गांव में रहेंगे। कल शाम में ना मैं सीधा फार्म से गया था घर पे, उसके बाद रात में 1 बजे के करीब मैं सोया हूँ, और अभी भी 8 बजे कुछ उठा हूँ। सुबह उठ चुके हैं, अभी टाइम 8:30 हो रहा है, 8 बजे उठा था, 7 बजे से कोशिश कर रहा हूँ उठने की। और फार्म पे ट्रैक्टर आ चुकी है, और मैं यहाँ पे जो ड्राइवर होता है उसके लिए नाश्ता लेने आया हूँ, डोसा वगैरह उसको चाहिए था, तो अभी ले करके चलते हैं। गया नहीं हूँ फार्म पर, अभी जाना है नाश्ता लेकर के। नाश्ता लेकर के आ चुका हूँ फार्म पर, और अभी जा रहा हूँ उसके पास ड्राइवर के पास देने के लिए नाश्ता। और कल रात में ना मैं आपको कहा था 1 बजे के करीब मैं सोया हूँ, क्योंकि रात पर थोड़ा बैठे हुए थे, बाहर ही बैठे हुए थे दोस्तों के साथ और कज़िन भाई के साथ। कज़िन भाई भी बैंगलोर से आया हुआ था, क्योंकि उसकी सगी सिस्टर की शादी है ना, तो वो कल शाम में थोड़ा लेट आया, तो बैठ के बातें कर रहे थे, इसीलिए लेट हो गया। जाते हैं नाश्ता देते हैं उसको, और थोड़ी देर देखते हैं, उसके बाद हम भी जाते हैं नाश्ता करते हैं। और आज हमारे वाइफ के गांव जाना है, क्योंकि पटाखे लेना है जा करके, शाम में पटाखे फोड़ने वाले हैं। देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, नाश्ता करने के बाद डिसाइड करना है कि जा करके पटाखे लाने का। ये देखो ये साइड से कर रहा है, सुबह से इसी साइड पर है ये। वो जा रही है सामने ट्रैक्टर, ये देखो। कल वाला जो ट्रैक्टर था ना, उसमें मिलर टाइप था, ये मिलर टाइप नहीं है, ये दांत वाला है पीछे। हाय हाय क्या खुशबू आ रही है, दो टाइप का होता है, मतलब हल चलाने के लिए, एक दांत वाला है और एक मिलर टाइप है। मिलर है ना, सिर्फ ज़मीन को जितने भी लकड़ियां या फिर मिट्टी रहती है उसको रोटेट करके साफ कर देता है, ये वाला थोड़ा अंदर तक जाता है ज़मीन के, उसके जो दांत होते हैं। देखो अभी सिर्फ ये साइड पर कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड पर ख़त्म हो चुका है, मिलर की है अंकल। देखो मिलर जब करते हैं तो ज़मीन साफ साफ रहती है, सीधी रहती है, और ये जो दांत वाले करते हैं ना, तो ऐसे स्पेस बन जाता है। देखो एक 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 मिलर में और इसमें डिफरेंस यही है, लेकिन ये वाला मुझे अच्छा दिखता है, क्योंकि ज़मीन में से निकलता है ना पूरा, ज़मीन से मिट्टी अच्छी से निकलती है। ये करके मिलर लगाएंगे तो और भी अच्छी रहती है ज़मीन। अभी जो ट्रैक्टर जा रही है ना, आपको दिख रहा है ये पीछे ब्लू कलर का,
वो उसमें अटक जाता है, लकड़ियाँ ये वो। हमारे दादबा जो थे उसके ऊपर बैठ जाते थे पीछे ब्लू कलर पे, अगर कुछ भी अटकता तो हाथ से निकाल के फेंक दिया करते थे। अभी कौन बैठेगा वैसे तो, वो अगर कुछ अटक जाता है तो ट्रैक्टर को पीछे ले करके वापस सामने जाता है। दिखाऊंगा अगर ऐसा करेगा तो। अभी देखो उसकी गाय आके सता रही है बीच बीच में ट्रैक्टर के, निकाल रहे हैं। देखो ऐसा लकड़ियाँ फंस जाता है, अगर वो उससे नहीं निकल पाता तो कोई निकालना ही पड़ता है। ट्रैक्टर ना अपना काम करती रहेगी, हम जाते हैं नाश्ता करने के लिए क्योंकि नाश्ते का टाइम हो रहा है, 10 हो चुका है टाइम अभी। और मौसम का क्या बताऊँ मैं आपको, धूप देख सकते हैं आप सीधा मेरे ऊपर पड़ रही है, बादल का नामो निशान नहीं है, अगर बादल होते तो अच्छा रहता था। खैर कोई बात नहीं, अभी जाते हैं नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके वापस आते हैं। और मैंने कहा था नाश्ते के बाद डिसाइड करना है पटाखे लाने के लिए, तो देखते हैं अभी जाते हैं भाई से बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कब जाकर लाना है पटाखे वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं जाकर। नाश्ता करके ना मैं यहाँ हमारे गांव के पहाड़ के पास आया हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है ना, ये हमारे गांव का पहाड़ है, फेमस पहाड़ है। यहाँ पे कुछ कब्रें वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं कभी दूसरे वीडियो में आपको दूंगा और पहाड़ भी चढ़ के आपको दिखाऊंगा हमारा गांव पहाड़ के ऊपर से। देखो मेरा दोस्त घूम रहा है मेरे साथ में, सब बैठे हुए हैं वहाँ, भाई बैठा हुआ है, दोस्त ऐसे ही टहल रहे थे यहाँ पे हम लोग नाश्ता करके, क्योंकि हेवी हो गया है नाश्ता डोसा वगैरह करके। तो यही है, अभी डिसाइड कर रहे हैं कि पटाखे लेने जाना है या नहीं जाना है, देखते हैं बताता हूँ मैं। देखो अभी प्लान बना है जाने का, निकलने वाले हैं पटाखे लेने के लिए जा रहे थे, और यहाँ पे हमारे दो भाई मिल गए हैं। देखो फोटोग्राफी चल रही है। वही आ चुके हैं पटाखों के शॉप में, ये पूरा पटाखों का दुकान है क्रैकर्स का। देखो कितने सारे पटाखे हैं, ये 5K वाला, वो 1K वाला, ये ऊपर जाने वाले, देखो कितने सारे हैं। दोस्त भी आया है यहाँ पे साथ में लेने के लिए, पटाखों की शॉपिंग करने वाले हैं अभी, देखते हैं कितनी शॉपिंग करते हैं क्योंकि आज शाम में ही फोड़ने वाले हैं। अभी देखो टाइम हो रहा है एक बजने के लिए, कुछ टाइम बचा है। देखो ये साइड भी कितना सारा स्टॉक है यहाँ पे, देखो रॉकेट्स बड़े बड़े ऊपर भेजने वाले। चलो अभी शॉपिंग कर लेते हैं पहले। यहाँ अपने कितना बड़ा शॉप है यहाँ पे, ये हमारे वाइफ के गांव में ही है ये शॉप पटाखों का, अगर जिसके भी शादियाँ होते हैं तो हम लोग यहीं से उठाते हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई है तो मैं मदनापल्ली से लिया था। फायरवर्क्स पूरे सब मिलते हैं यहाँ पे, सब थोड़े से पटाखे लिए हैं यहाँ पे जाने वाले। तो बैठे थे खाते हुए, देखो मंकी आ गए, ले 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 इधर है। अब मेरे हाथ से नहीं लिए, इससे पहले ले रही थी। ओ क्या बात है। छोटी वाली आई है अभी, उसको भी देने वाले हैं, बुला रहे हैं। आजा आजा, डर डर गई, डर गई, डर गई। हालत देख, टोपी की भी देखो, डर गया था। हाँ देखा, ये देखा, ये देखा, कौन इसको भी चाहिए बोलती है ये। ये देखो छेला है यहाँ पे, इसको भी चाहिए। कौन मंगले मामा आता अंधेरे में। अरे दी 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 दी, वो कैसे भूख में ही रही है। ये भी मीठा खा लिया, देखो मीठी चीज है वो, छेले को भी चाहिए था। वापस आ चुका हूँ फार्म पर, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है, अभी भी ट्रैक्टर यहाँ पे हल चला रही है, क्योंकि दो दो बार चला रहे हैं। कल वो मिलर टाइप चला रहे थे और आज वो दांत वाले सुबह में मैंने दिखाया था आपको, वो चला रहे हैं। और अभी भी बाकी है 40% बाकी है, शायद 60% उसने किया ये साइड पर किया है और पीछे की साइड पर सब
करके आ गया है वो। अभी सिर्फ सामने की साइड थोड़ा सा बचा है। अभी देखो टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है दोपहर के। लंच करके अभी अभी मैं आया हूँ, मतलब थोड़ी देर हुआ है आ करके। यहाँ पर लेट गया था और इतनी कड़क 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 धूप पड़ रही थी। अभी अभी थोड़ा बादल आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बादल आए हैं। बहुत ज़रूरत है मालूम है बारिश की, क्योंकि गाँव गाँव तड़प रहा है बिना बारिश के, और धूप ऐसी कड़क बरस रही है क्या बताऊं। और इस ब्लॉग को यहीं पे मैं समाप्त कर देता हूं, क्योंकि शाम में फंक्शन है और एक और ब्लॉग कंटिन्यू करना है अभी से। तो अगर ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो क्या करना चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।